नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रावण की पहली सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा शिवालय। विपत्ति में डायन का आरोप लगाकर महिला की निर्ममता पूर्वक हत्या का मामला आया सामने। पड़ोसी पर लगा आरोप, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए ग्रेनेड विस्फोट में बिहार का लाल हुआ शहीद। गांव में पसरा मातम। तेरह सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकेतर कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू। कॉलेजों में कामकाज ठप। और लापता कुलपति को हाजिर करने के लिए राजद ने विश्वविद्यालय में लगाया ताला। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास की सोमवारी का धार्मिक रूप से विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें दुनिया भर के तमाम शिव भक्त अलग अलग शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल की कामना करते हैं। इसी को लेकर श्रावण मास की पहली सोमवारी पर भागलपुर के बुढ़ानाथ स्थित बाबा बुर्देश्वर नाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर और शिव शक्ति मंदिर समेत भागलपुर के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिव मंदिरों में अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। इस दौरान कई प्रमुख शिवालयों में गंगा जल लेकर पहुंचे कांवरियों ने जलाभिषेक किया, जबकि सोमवारी व्रतधारी पुरुष महिला युवक युवती और बच्चों के साथ हर उम्र के शिव भक्तों ने महादेव और माता पार्वती के दर्शन कर पूजा अर्चना की। एक और जहां दो वर्षों के बाद सोमवारी पर शिवालयों और मंदिरों में पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही, वहीं दूसरी ओर बोल बम और भगवान शंकर के नारों के बीच प्रशासन की ओर से भी मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिखे। जिले के अधिकतर मंदिरों में कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, जबकि शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न कराने के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी। दो साल बाद, मतलब कि कोरोना के काल के बाद, कोरोना काल के बाद, इसके पहले महाशिवरात्रि में भी खुल गया था मंदिर। इस साल 2022 में बंद तो रहा, लेकिन महाशिवरात्रि में मंदिर खुल गया था, जिसका कि बहुत ही बेजोड़ उत्साह देखने को मिला था। उस समय भी प्रशासन का सहयोग नहीं रहता, तो उस समय भी संभाल पाना बड़ा मुश्किल था। लाखों की भीड़ उपस्थित हुई थी मंदिर में। और श्रावण माह का पहला सोमवारी है और इसमें भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसका उम्मीद नहीं था हम लोगों को, चूँकि कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज भी बड़े हैं, तो हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि इस स्तर पे श्रद्धालुगण उपस्थित होंगे मंदिर में। कोरोना काल ख़त्म हो गया है, दो साल के बाद सावन में बाबा मनस्कामनाथ का पट 4 बजे सुबह खुली है। सारे भक्तगण सुल्तानगंज से पैदल जल बाबा पर जलाभिषेक किया। सारे भक्त जो भी यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा मनस्कामनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और बाबा मन चाहा इच्छा अनुसार सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो इनको श्रद्धा भक्ति से दिल से बाबा को जल अर्पण करते हैं, ये मनोकामना लिंग है जो सारी मनोकामना को पूर्ण करता है। इधर सावन की पहली सोमवारी को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में लाखों शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान बोल बम और बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा अजगैबीनाथ को जलाभिषेक किया, जबकि सोमवारी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं ने भी महादेव की पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर समेत पूरे गंगा घाट पर भगवान शिव और माता पार्वती का जय घोष किया। वही बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों से पहुंचे शिव भक्त एवं कांवरिया महादेव की पूजा अर्चना कर बोल बम के जयकारों के साथ देवघर के लिए रवाना हुए। वहीं दो वर्षों के बाद लगे श्रावणी मेला को लेकर भी शिव भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया, जबकि आज अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने कहा कि उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण आज अजगैबीनाथ धाम में बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों के शिव भक्त आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है और भक्तों की
मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। वहीं इस दौरान गंगा घाट समेत मंदिर और कांवरिया पथ में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जबकि कांवरियों की सुविधा का भी ख्याल रखते हुए गंगा घाट पर बैरिकेडिंग और साफ सफाई की भी पुख्ता व्यवस्था देखी गई। वहीं कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी सावन की पहली सोमवारी पर माहौल भक्ति दिखा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सुबह 3 बजे से ही कहलगांव उत्तर वाहिनी गंगा घाटों पर शिव भक्तों ने स्नान कर इलाके के अलग अलग शिवालयों में गंगा जल अर्पित किया और पूरा इलाका भगवान शिव के जयकारों एवं घंटा ध्वनि से गूंजता रहा। सावन की पहली सोमवारी को लेकर बांका जिले के धनकुंड नाथ मंदिर, ज्येष्ठ गौर नाथ मंदिर समेत आसपास के शिवालयों में माहौल शिवमय बना रहा। इस दौरान बोलबम के जयकारों से शिवालय गुंजमान होता रहा, जहां सुबह से ही भक्तों का जन सलाब शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ता दिखा। वहीं सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया, जबकि बांका जिले में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ धनकुंड नाथ और जैठूर नाथ मंदिर में दिखाई दी। इसके अलावा अमरपुर के मेड़िया नाथ मंदिर में भी शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, जबकि बौसी के पिपलेश्वर शिव मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शंकर को जल पुष्प बेलपत्र समेत पंचगव्य के अर्पण करने से भगवान भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। भागलपुर के पीरपैंती स्थित बाकरपुर से एक महिला को डायन बताकर दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर देने का मामला सामने आया है। पीरपैंती भागलपुर थाना अंतर्गत मोहनपुर तिलकधारी टोला में एक महिला की गला रेत कर हत्या के बाद शव को मकई के खेत में फेंक दिया गया। जिसकी खबर फैलते ही शव देखने के लिए खेत में भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि महिला का शव रविवार की शाम को बरामद किया गया, जिसके बाद मृतका की पहचान अर्जुन चौधरी की 55 वर्षीय पत्नी फुचनी देवी के रूप में हुई है। इधर महिला की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर दलबल के साथ पहुंचे बाकरपुर थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की। वहीं मृतका के पति अर्जुन चौधरी ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी राजकुमार शर्मा की गाय मर गई थी, जिस पर उन लोगों ने उन दोनों पति पत्नी से विवाद किया था। अर्जुन चौधरी ने कहा कि आरोपियों के द्वारा उसकी पत्नी को डायन बताकर जान से मार देने की धमकी दी गई थी और रविवार को जिस वक्त उसकी पत्नी फुचनी देवी घास काटने गांव गई थी, उस समय वह अपनी पुत्री शांति से मोबाइल पर बात कर रही थी। फिर पक्ष ने कहा कि उसी समय राजकुमार शर्मा, गौरव शर्मा, लखन कुमार और सुखदेव कुमार समेत कई लोग वहां पहुंचे और फुचनी देवी के साथ गाली गलौज करने लगे और फोन पर उसकी पुत्री ने सारी बात सुन ली थी। वह मृतका के पति के लिखित बयान पर चारों के खिलाफ महिला को डायन बताकर हत्या करने की नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटना का मुआयना करते हुए परिजनों से पूछताछ की और एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर मुख्य अंबिका मंडल, सरपंच, दशरथ मंडल सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में हुए ग्रेनेड विस्फोट में खगड़िया पर्वता प्रखंड के नया गांव शिरोमणि टोला के रहने वाले कैप्टन आनंद शहीद हो गए हैं। शहीद होने की खबर गांव पहुंचते ही गांव में मापनी सन्नाटा पसर गया। गांव वालों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 10 दिन पहले जो लाल गांव से 10 जुलाई को छुट्टी समाप्त होने के बाद वापस ड्यूटी पर गया था, अब वो जीवित कभी वापस नहीं आएगा। वही कैप्टन आनंद के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और उनकी माँ दहाड़े मारकर और बेशुद्ध होती हुई कहती है, अब कौन उनका आंचल पकड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि 10 दिन पहले ही गांव में गृह प्रवेश हुआ था, जिसमें आनंद भी शामिल हुए थे, जबकि वह काफी मिलनसार और बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। शहीद आनंद के पिता मधुकर संगई बिहार पुलिस में दरोगा है और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में है। बताया जाता है कि शहीद आनंद की प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर में हुई थी, लेकिन बोकारो से इंटर पास करने के बाद वो एनडीए की तैयारी में जुट गए, जबकि 2015 में एनडीए में सफल होने के बाद 2019 में आईएमए से पास आउट होकर लेफ्टिनेंट के पद पर उनकी पोस्टिंग हुई। दो भाइयों में शहीद आनंद बड़े थे। हर कोई यह सोचकर दुखी है कि उनका बेटा, भाई, मित्र अब कभी भी हंसता हुआ नहीं लौटेगा। वहीं शहीद आनंद के पिता अपने बेटे की याद को साझा करते हुए भावुक हो जाते हैं। हालांकि इस बड़े दुख के बावजूद गांव के लोगों ने देश सेवा के दौरान अपने लाल के शहीद होने पर गर्व भी कर रहे हैं।
खाने का भी तो इंतजाम करना है दादा। उसके बाद में जब नुनू आईआईटी निकल लिया, बारहवीं किया, और वहीं पर जो है इतना इंटेलिजेंट था, एज नहीं पूरा हुआ था ना, तो वो एनडीए का रिटर्न निकाल करके, तब कहा कि पापा देख रहे हैं एनडीए का हम रिजल्ट निकाले हैं रिटर्न। सबसे बड़ी गर्व की बात थी कि वो पहला एनडीए थे और उनके पिताजी बहुत संघर्ष से, यानी कि बचपन से लेके लेफ्टिनेंट बनने तक का जो सफ़र था, उनके फादर का बहुत संघर्षपूर्ण था और उन्होंने बेटे की खुशी भी नहीं जानी और आज वो शहीद हो गया। तो हम लोग को गर्व है कि हमारा भाई पूरे देश के लिए शहीद हुआ है, और उसी शिवमणि टोला का बेटा नहीं, पूरे देश का ही बेटा था और आनंद सबको आनंद करके चला गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर GMBU के 12 कॉलेज में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। संगठन के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन सेवा कंफर्मेशन करने की अधिसूचना जारी नहीं करेगा, तब तक शिक्षेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में TNV कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज समेत कई कॉलेजों में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना पर बैठे कर्मियों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल के कारण क्लासरूम, टीचिंग, परीक्षा, नामांकन और अन्य काम बाधित रहा। तेज नारायण बैनली महाविद्यालय में धरना पर बैठे कर्मियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग है सेवा संपुष्टि, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, कर्मचारियों के लिए सीनेट चुनाव कराना, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति, पेंशन धारियों को बकाया वेतन और एरियर का भुगतान एकमुश्त करना। धरना पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी 13 सूत्री मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मियों के हड़ताल को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी है। हम लोगों का मांग है 13 सूत्री मांग, लोकल मांग है, विश्वविद्यालय से मांग है, विश्वविद्यालय से हमारी समझौता हो चुकी है और आज तक जो है हम लोगों की मांग पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों का भी मुख्य मांग है सेवा संपुष्टिकरण, चूँकि कि विश्व राज्य सरकार से एक पत्र आया हुआ है अपर सचिव दीपक कुमार से कहा कि 26/7/2022 को 22 तक हम लोगों को वेतन विसंगति के लिए ऑनलाइन भेजना है और अभी तक हम लोगों का सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय और PG डिपार्टमेंट में सेवा संबंधन हो चुका है, हम लोगों की सेवा किसी को 20 साल किसी को 30 साल हुआ है और आज तक अभी सेवा संपुष्टि नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं हुआ है। मांग है कर्मचारी का, जायज मांग है, लंबे समय से डिमांड किया जाता है, लेकिन सरकार स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर लिखित समझौता करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। विवश होकर के कर्मचारी हड़ताल पर आया, कर्मचारी का कोई शौक नहीं है हड़ताल करना, लेकिन बाध्य होकर के करना पड़ रहा। जैसे कि देखिए, हम लोग जैसे डेमोस्ट्रेटर में हम आते हैं, हमारा जो है सो छठा वेतनमान का भी एरियर आज तक भुगतान नहीं हुआ सरकार से, मतलब जो है टीचिंग संवर्ग में आना था उसको भी नहीं किया, तो किसी तरह का डिमांड सरकार से माना नहीं जाता है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से छात्र राजद का आंदोलन जारी है। विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को भी छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में धरना दिया। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर TMU प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने कर्मियों को प्रशासनिक भवन में जाने से रोक दिया और मुख्य द्वार में ताला लगाकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने बताया कि लापता कुलपति को करने के लिए विश्वविद्यालय में मजबूरन ताला लगाना पड़ा। इस दौरान कर्मी भी विश्वविद्यालय परिसर में ही घूमते फिरते रहे। दिलीप कुमार और कृष्ण बिहारी गर्ग ने कहा कि TMU के 63 साल के इतिहास में कुलाधिपति फागु चौहान की कृपा से ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे विश्वविद्यालय में 8 माह से लापता है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे छात्र राजद के उमर चांद, आशुतोष यादव, लालू यादव और अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को मुजफ्फरपुर से चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करनी होगी, तभी प्रशासनिक भवन का ताला खुलेगा। प्रदर्शनकारी छात्र नेता ने बताया कि TMU में अस्थायी कुलपति नहीं होने के कारण छात्र परेशान हैं। छात्र राजद ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। असर दिखेगा,
ऐसा नहीं है कि छात्र संगठन या छात्र कमजोर है, अगर छात्र है तो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार को झुकना होगा, क्योंकि मेरा मांग जो है जायज मांग है। आज 8 मंथ होने जा रहा है यूनिवर्सिटी में, अस्थाई कुलपति नहीं है, प्रभारी कुलपति भी गोल है, छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, डिग्री की पेंडिंग पड़ा हुआ है, लड़का को जॉब हो गया है, डिग्री नहीं मिल रहा है, समय परीक्षा नहीं हो रहा है, विश्वविद्यालय को मखौल बना के रख दिया है, यहाँ जितने भी अधिकारी सब भ्रष्ट है, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हम लोग विश्वविद्यालय बंद करवाए हैं तो अनिश्चितकालीन बंद रहेगा, जब तक अस्थाई कुलपति नहीं देगा हम लोग की लड़ाई जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विगत 8 महीने से अस्थाई कुलपति नहीं है, इसके कारण छात्र परेशान है, कर्मचारी परेशान है, शिक्षक परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट हो गया है, किसी का दरोगा में रिजल्ट हो गया है, डिग्री बनकर तैयार है, धूल फांक रहा है, सब लोग दर दर भटक रहे हैं। विश्वविद्यालय की ये दुर्दशा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई थी, इसके कारण हम लोग त्रस्त हैं, लाचार होकर के हम लोग बंदी किए हुए हैं। हम लोग को कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग बंद करें, और हम लोगों को ये काम पहले करना चाहिए था, हम लोग थोड़ा विलंब किए हैं, इसका पश्चाताप है हम लोगों को, और हम लोग इसके कारण बंद किए हुए हैं। और जब तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थाई कुलपति नहीं आते हैं, यह बंदी जारी रहेगा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर एक अलग सा नजारा दिखा, जहां कच्ची कांवरिया मोड़ कमराई के समीप कलयुग के पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर देवघर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थाटन करवाने की इच्छा से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मिलकर सुल्तानगंज से गंगा जल भरा, और यह दंपत्ति अपने कंधे पर माता पिता को लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ गए, जिसे देखकर सभी लोग इन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहते हुए सराहना करते देखे। वहीं इसको लेकर चंदन कुमार ने बताया कि वह प्रत्येक महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, और इस वर्ष पूजा के बाद अचानक उनके मन में माता पिता को अपने कंधे पर लेकर देवघर तीर्थाटन करवाने की इच्छा जगी, लेकिन उनके माता पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया। चंदन ने कहा कि उनकी परेशानी के बारे में सोचकर माता पिता ने विरोध किया, लेकिन महादेव की कृपा से अपनी अर्धागिनी के साथ वे अपने कंधे पर लेकर माता पिता को 100 किलोमीटर की पद यात्रा के लिए निकल पड़े। सत्यनारायण भगवान की पूजा और पूजा आरती खत्म हुआ, मन में ऐसा लालसा हो गया ना कि बस बोले सबके गांव समाज के सामने कि माता पिता के हम ले जाएंगे देवघर कमर बना के श्रवण जी ने, वही फिर गांव वाले सब कहे मेरा माता पिता तो आने के लिए नहीं तैयार थे, इतना भारी है कैसे तू ले जाएगा, तो गांव वाला कहे कि नहीं ये जब तैयार है तो ले जाइए। घर द्वार ले जा रहे हैं हम। अच्छा। क्या मनोकामना से लेके जा रहे हैं? मनसा बना पूरा हो गया सर, ले जा रहे हैं सब पूरा हो गया। आप लोग कितने लोग इस हम ग्रुप में? 2 आदमी हैं, हम 3 गो लड़कन हैं। कहाँ सारे हम? जानी देव जहानाबाद सर। रानी देवी भागलपुर के कहलगांव में बरसों से अधिकृत फूड पार्क की जमीन पर अब जल्द ही प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की राह आसान होगी। इसके अलावा पास के कुर्मा पंचायत भवानीपुर में भी जमीन को अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि वहां और पावर प्लांट लगाया जा सके। दरअसल इसको लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि धुआवे में अधिग्रहित जमीन
जमीन पर अब दो प्लांट लगेगा, इसके लिए और जमीन अधिग्रहण करना होगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि कहलगांव के कुर्मा पंचायत स्थित भवानीपुर में जमीन होने की जानकारी मिली है, जिसके अधिग्रहण में कहलगांव के जदयू नेता शुभानंद मुकेश का भी सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही मंत्री ने कहा कि इस प्लांट के लगने से आसपास के हजारों लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, जबकि यह लाखों लोगों के जीविका का साधन भी बनेगा, जिससे इलाके में खुशहाली आएगी। केवेंचर एग्रो के चेयरमैन और एमडी मेंग जलान ने ऐलान किया था 600 करोड़ का निवेश करेंगे और उसमें लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। जो जमीन पहले से उनके पास उपलब्ध है, पहले फूड पार्क के लिए उन्होंने खरीदी थी, उनकी निजी जमीन है धुआबे के पास, और उसमें फूड पार्क भी बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक पार्क भी रहेगा। और धुआबे के बाद और भी जमीन तलाश रहे हैं। शुभानंद मुकेश जी से बात हुई है, जो वहाँ के नेता हैं जी, उन्होंने कोई जमीन कहा है कि बगल में कुर्मा के पास उपलब्ध करवाएंगे, तो उसमें और भी इन्वेस्टर आए, तो वो इलाका औद्योगिक इलाके के तौर पर डेवलप होगा। ये खबर छप चुकी है पहले भी कलकत्ता से, जी खुशी महसूस हो रहा है। 2014 में ही ये कंपनी यहाँ आए हुए थे, हम लोग सभी किसान दिए थे बहुत आशय के साथ कि क्षेत्र का विकास हो, और आज फिर पुनः हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज जी लगे हुए हैं, और इसके लिए हम लोग उनका पूरा आभार प्रकट करते हैं। और अगर यह कंपनी लगती है तो क्षेत्र का और हमारे समाज का विकास होगा। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जल जीवन का आधार है। जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की मुख्य समस्याओं में से एक है पानी की समस्या। वार्ड 6 चंपानगर कुम्हार टोली नया टोला में बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वार्ड की महिलाओं और बच्चों को दूर दूर से पानी ढोकर लाने में काफी कठिनाई होती थी। जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी, तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपनी निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया। इसका शिलान्यास रविवार को युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा विधिवत नारियल फोड़ कर किया गया। इस अवसर पर बात 6 के पार्षद पंकज दास भी मौजूद रहे। बोरिंग का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवक द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया, जिससे इलाके के लोगों को पानी की समस्या ना हो। उन्होंने विजय कुमार यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है, जो आमजनों की जरूरत को समझे और उसे पूरा करे। समाजसेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इस कारण मैंने लोगों की जरूरत को देखते हुए अपने निजी कोष से कई स्थानों पर बोरिंग करवाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। अब यहाँ के लोग भी पानी के लिए परेशान नहीं होंगे और ना ही महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर जाना होगा। इस अवसर पर मुन्ना महाराणा, विश्व वैद्य, मनोज रजक समेत कई लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 6 का ये कुम्हार टोली नया टोला है, यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी और इन समस्या के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, और विजय गर्ग जैसे इसकी सूचना मिली उन्होंने अपने निजी कोष से यहाँ पे आज बोरिंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए इस वार्ड की जनता की तरफ से विजय गर्ग जितना धन्यवाद कहें उतना कम है, और हम लोग विश्वास करते हैं कि आगे भी इसी तरह लोगों के बीच जाकर के सेवा करते रहे। बाबू के तरफ से पानी अले बहुत दिक्कत छे, सबको पानी मिले पियर वास्ते। हम लोग पानी का अपना किए हैं, विजय बाबू ये पानी का समस्या कर दिया। ये नाथनगर का वार्ड 6 है और यहाँ पे पानी की बहुत घोर समस्या थी। लोगों को जो है दूर दराज से पानी लाना पड़ता था, यहाँ की महिलाओं को बच्चियों को मेन रोड से यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता था। और लोगों ने यहाँ की समस्या से हमको अवगत कराया और मैंने आके देखा कि यहाँ पर रियल में जो है पानी की बहुत दिक्कत है, तो तत्काल अपने निजी कोष से एक प्याऊ का यहाँ पे आज विधिवत उद्घाटन किया गया है और निर्माण
बहुत जल्दी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल नल का जल योजना सनहोला के बेलडीहा गांव वार्ड नंबर 11 में दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल संकट से राहत दिलाने वाली इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा करोड़ों की राशि पानी की तरह बहाया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों के घरों में शुद्ध पानी नहीं पहुँच रहा है। सिलहन खजूरिया पंचायत वार्ड संख्या 11 में 3 महीनों से नल जल योजना द्वारा जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जबकि हर घर नल का जल निर्माण कार्य किया जा चुका है, लेकिन 3 महीने से मोटर खराब होने के कारण ग्रामीण जलापूर्ति की समस्या से जूझने को विवश हैं। वहीं इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जल नल योजना का लाभ अब तक उन लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में कई जगहों पर नल में जल पहुंचा और बंद भी हो गया, जबकि कई जगहों पर पाइपलाइन बिछाई गई लेकिन वहां अब तक जल नहीं पहुंच सका है। जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीण जल संकट की समस्या से ग्रसित है। हालात यह है कि गाँव के कुछ जगहों पर लगी निजी बोरिंग की मदद से 200 रुपये प्रति महीना पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि इसकी सूचना पंचायत के मुखिया समेत प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या बरकरार है। हालांकि कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत ने समस्या का जल्द ही निदान करते हुए नया मोटर लगाए जाने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है। पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, लगभग 9-10 महीने से, ठीक है ना। देखते हैं, हम लोग का पाइप दूसरे का घर से लाते हैं, मोल खरीद के पानी पीते हैं, 200 रुपया महीना लेता है वो। हम लोग को अभी बहुत गांव का आदमी जो है अभी कोई निर्णय नहीं करता है, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। वार्ड नंबर भी बढ़िया से नहीं बोलता है कुछ, और पानी के लिए हम लोग बहुत अभी दिक्कत हो रहा है। नल जल का पानी मिल रहा है ना है? क्यों कैसे खराब है? कितना दिन से खराब है? 3 महीना सा हमारा टाइम मिले की कभी तो कहाँ से पानी पीते हैं? मोस्टर सब सर असिन मोस्टर निजी बोरिंग से। हाँ निजी बोरिंग से हमारा पैसा दे छे। मोटर अभी तक नहीं बना? ठीक है, तो ये तो हम लोग इंस्ट्रक्शन भिजवाते हैं मोटर बनाने का उपाय किया है वीडियो पर ये करके। सिलम खजूरिया वार्ड नंबर 11। हाँ वार्ड नंबर 11 ठीक बनवाने की कोशिश किया जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट हो जाएगा। भागलपुर के गनीचक में आयोजित 3 दिवसीय गनीचक प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ रविवार को क्रिशेंट इंग्लिश मैदान में हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी कुणाल सिंह, मशहूर कलाकार आदर्श आनंद, मोहम्मद आसिफ, युवा कांग्रेस के दानिश निजाम समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत सागर, टीपू, शानू, जाहिद सहित कई युवाओं ने माला पहना कर किया। वहीं इसको लेकर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में कई टीम ने भाग लिया है, जबकि फाइनल मैच मंगलवार को खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि युवाओं को खेलकूद की गतिविधि से जोड़ने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता उपविजेता टीम के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर वार्ड नंबर 39 के दर्जनों युवा खेल प्रेमी समेत कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रावण की पहली सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा शिवालय। विपत्ति में डायन का आरोप लगाकर महिला की निर्ममता पूर्वक हत्या का मामला आया सामने, पड़ोसी पर लगा आरोप, जांच में जुटे पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए ग्रेनेड विस्फोट में बिहार का लाल हुआ शहीद, गांव में पसरा मातम। सुप्रीम मांगों को लेकर शिक्षकेतर कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, कॉलेजों में कामकाज ठप। और लापता कुलपति को हाजिर करने के लिए राजद ने विश्वविद्यालय में लगाया ताला, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।